पार्टी पूरी तैयार है। कल भी आपने प्रदेश कार्य समिति की देखी, उस दिन मैंने कहा कि मोटरसाइकिल यात्रा हो, मन की बात हो, मेरा बूथ सबसे मजबूत हो, ऐसे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और हम पूरा तैयार है। हम तो जब से संगठन में हैं हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे घोड़े में तैयार रहता है और सरकार इस बार देश की आदरणीय मोदी जी की मजबूत सरकार बनेगी, मजबूत सरकार नहीं। हम रोहतक ने पूरे प्रदेश में इतना अपना हाईलाइट ना करें, उसकी स्थिति हमने देख ली कि पिछले 10 साल भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो पिछली बार 2014 के अंदर वोट मांगने भी नहीं गए थे, क्यों? जनता कपड़े पाड़ती। तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा ने 5 साल में कुछ किया नहीं था, इसलिए उसने एक PGI से सर्टिफिकेट ले लिया कि मेरी टांग में दर्द है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस टाइम पिताजी उनके मुख्यमंत्री थे, इसलिए आज पिताजी मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए हारना उनको लग रहा है, इसलिए पूरा कुनबा लगा हुआ है वोट मांगने। और मुझे पूरी आशा है कि 1999 में भी पार्लियामेंट जीती थी, अब 2019 में भी हम भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल यहाँ जीते। हरियाणा के इस 52 साल के अंदर सहकारिता को जिस तरह किसान, मजदूर, महिला, इनको जोड़ना चाहिए था, वो जोड़ा नहीं गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की माननीय मनोहर जी की सरकार जब से बनी है सहकारिता के आदत को हम लोगों तक ले जाना चाहते हैं। उसी के दिन आज हमने आज रोहतक के अंदर पहले पूरे प्रदेश में इन्होंने भाषण प्रतियोगिता चलाई, आज युवा ने यहाँ पर आज चलाई, तो उसमें 31 युवा जाए, उस प्रतियोगिता में जो भी नंबर मिलेंगे उन बच्चों को यहाँ से इनाम मिला जाएगा। मैं कहता हूँ सहकारिता से हम जो आज युवा नौकरी से भटक रहा है उसको भटकने के बजाय अपने काम की तरफ जाए, और सहकारिता का मतलब सबको साथ लेकर चलना।